हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजन डे। मैं हूं प्रदीप सिंह और मेरे सामने जैसा आप देख रहे हैं, यह है BMW की बिल्कुल ही नहीं परफॉर्मेंस SUV दी XM। अब इसका प्लेटफॉर्म वगैरह जो वही है 7 सीरीज वाला, लेकिन X7 वाला जो आप मान सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि इसका जो ये परफॉर्मेंस वेरिएंट है ये क्यों निकाला गया है, क्योंकि उरस जैसी SUV, एस्टन मार्टिन की DBX, तो ऐसे SUVs को टक्कर देने के लिए ये उतारा गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस SUV का जो मेन ग्रिल है वो बहुत ही बड़ी दी गई है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी ग्रिल है ये, काफ़ी बड़ी मैसिव है। अभी तो जूम करके दिखा रहा हूँ। इसके हेडलाइट बहुत ही शार्प है और ये डुअल हेडलैम्प सेटअप के ऊपर है। अभी ये नया लैंग्वेज होगा BMW का, मैं आपको दिखाता हूँ हेडलैम्प थोड़ा सा। तो ये ऐसा हेडलैम्प सेटअप है और नीचे आपको कट्स एंड क्रीजेस देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर बड़ा सा रेडार का सिस्टम दिया गया है। और ये जो कार है बहुत ही खूबसूरत लग रही है बाहर से देखने में। इनफैक्ट ये गोल्डन कलर के टच में, आपको साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये अभी अंदर जाना मना है, सिर्फ VIP एंट्रीज हैं, तो थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ अलाउ करने देते तो अच्छा होता। अब अगर आप साइड प्रोफाइल देखें तो इसकी काफ़ी मैसिव आ रही है और बड़े से जो है अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। ये कम से कम मुझे लग रहा है, मैं आँखों से एक मिनट टेस्ट करके तो देख नहीं पा रहा, शायद काफ़ी बड़े हैं, शायद 23 इंच के हैं ये, लेकिन जो भी होगा मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कार लग रही है ये। मैं दिखाता हूँ आपको, इसके साइड प्रोफाइल में भी आपको काफ़ी सारे जो ऐसे लाइंस हैं देखने को मिल रही हैं। ये लाइन पूरी की पूरी जो इसके विंडो लाइन के ऊपर रैप अराउंड है जो गोल्डन कलर का, काफ़ी अच्छा टच लग रहा है। कलर काफ़ी यूनिक सा है, कुछ ग्रीनिश है, मैंने उसी टाइप की शर्ट टी शर्ट पहनी है। लेकिन हाँ, नीचे ब्लैक कलर का आपको नीचे क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी, M बैजिंग दी गई है ब्रेक्स के ऊपर। और पीछे आएंगे तो पीछे आते हुए भी यहाँ पर आपको ये काफ़ी यूनिक देखने को मिलने वाली है। इसकी खासकर जो टेल लैंप है वो पूरी स्मोक्ड आउट दी गई है और यहाँ पर जैसे दिख रहा पूरी स्ट्राइप है। और मेन क्या है, यहाँ पर XM की बैजिंग। और नीचे आएंगे तो यूनिक स्टाइल के इसके एग्जॉस्ट सिस्टम दिए गए हैं, आपको दिख रहा है डुअल बैरल है। और यहाँ पर पीछे इसका डिफ्यूज़र बहुत ही यूनिक लग रही है। इनफैक्ट बहुत ऐसा लगता है कि ये कार जब आएगी, अभी अगले साल आने वाली है मई के अंदर, इसकी कॉस्टिंग अभी सिर्फ बताई गई है 2.6 करोड़ है, जो कि इसमें इंजन लगा हुआ है वही BMW का 4.4 लीटर का परफॉर्मेंस इंजन लगा हुआ है। वो 4.4 लीटर का ट्विन टर्बो यूनिट V8 इंजन है, जो कि ये कंबाइंड पावर प्रोड्यूस करता है लगभग 658 BHP की। ये वाला मॉडल है, इससे ऊपर भी एक मॉडल आता है जो प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम के साथ काम करती है, जो कि 80 किलोमीटर की EV कंबाइंड पावर देती है। लेकिन इससे ऊपर भी एक और वेरिएंट आने वाला है जो कि ऑलमोस्ट 748 BHP के आसपास और 1000 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा। इसकी जो 0 to 100 कैपेसिटी है, यानी कि जो इसकी जो 0 to 100 स्पीड है, वो सिर्फ और सिर्फ 4.3 सेकंड में कर लेती है, तो काफ़ी क्विक है नॉर्मल अगर आप वेरिएंट्स के हिसाब से देखें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मेन बात क्या है, इसका जो टॉप वेरिएंट आएगा उसकी जो उसका जो सब डिटेल सामने आएंगी तो वो मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा होंगी और करीब 4 सेकंड के अंडर होगी। तो ये SUV आपको कैसी लगी बताना जो कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अभी कुछ भी मैं इसका दिखा नहीं सकता, ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है जैसा आपको देखने को मिल रहा है वहाँ से। हाँ, तो अभी इसके बारे में ना कुछ कहा नहीं जा सकता कि कैसा इंटीरियर होगा। नॉर्मल आपने अगर आज के जॉय फेस्ट का जो इवेंट है इनका, अगर उससे जज कर लिया होगा तो ये सिर्फ इवेंट के लिए ही आई थी। और अगर कुछ एक्स्ट्रा इवेंट होता है इसके लिए स्पेशल तो हम स्पेशल कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी यही सब है। इतनी अच्छी हेडलाइट्स, टेल लैंप्स जो देखने में काफ़ी अच्छी है, इंटीरियर भी वैसे ही है। तो जॉय फेस्ट के अंदर जो कि और दो लॉन्चेस हुए हैं, S1000 RR और M340 का, तो वो भी आप वीडियो चेकआउट करें तो वैसे ही कुछ इंटीरियर आ सकता है इसका भी। तो यहाँ पर ये वीडियो में था, आपको ये वीडियो कैसे लगी बताना जो कमेंट सेक्शन के अंदर। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियंस ड्राइव।